करता। कैक्टस है वैसे, इसको कोई खास फर्टिलाइजर की जरूरत तो नहीं पड़ती, तो पूरा कमर्शियल ही कर रहे हैं। मैं तो उसको कमर्शियल ही कर रहा हूँ। उसका पड़ रहा है, मन दुख रहा है, काफ़ी दुख। सभी किसानों भाई नमस्कार, क्या हाल चाल आपका। तो आप पीछे देख रहे हो कि बागवानी ख़त्म कर रहे हैं, अमरूद की बागवानी है और सीताफल की बागवानी है। तो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसा स्कीम हुआ हमारे हमारे साथ हमारे साथ। तो उखाड़ना पड़ रहा है, मन दुख रहा है, काफ़ी दुख रहा है मन। तो उखाड़ना तो पड़ेगा क्योंकि अभी जगह भी रोक रखी है उन्होंने और काफ़ी मतलब महंगा ठेका है, तो उसका उसको पूरा करने के लिए ड्रैगन फ्रूट की तरफ जा रही है। तो जो रूट स्टॉक आप देख सकते हो, इस साइड है रूट स्टॉक किस तरीके का तैयार कर रखा है। तो सारा का सारा ये प्लांटेशन करेंगे 7 बीघा और 4 बीघा। 3 बीघा ये है धान वाला, कैमरा मैन को कहूँगा दिखाए। 3 बीघा ये है और 7 बीघा ये है। लगभग 23,000 की प्लांटेशन होगी। 2025 के एंड तक कंप्लीट करूँगा ये प्लांटेशन, सारी की सारी ड्रैगन फ्रूट की प्लांटेशन होगी। तो मेरे फादर साहब हैं और मैं मिलकर दोनों ही इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और आगे क्या अपडेट रहता है इस रूट स्टॉक का, क्या अपडेट नहीं, तो उसके बारे में जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसके अनुसार डिस्कशन होती रहेगी। किसान भाइयों को बता दूं जी कि जो हम रूट स्टॉक यूज़ कर रहे हैं वो कैक्टस का है, कैक्टस रूट स्टॉक यूज़ कर रहे हैं। सभी में यही रूट स्टॉक यूज़ करेंगे और कैसा रिजल्ट रहता है उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। आज डेट की बात कर लें तो 28 अगस्त 2024 डेट है। आप देख सकते हो टाइम अभी हुआ है, 2 बजे हैं पूरे, दोपहर का टाइम है। तो प्लांटेशन उखाड़ देंगे, अभी धीरे धीरे उखड़ेगी और इस साइड भी 3 बीघा पहले उखाड़ेंगे, उसके बाद में उधर मेरी कपास लगाई हुई है मैंने, तो उसको भी उखाड़ देंगे। हाँ, टाइम आने पर वो रहेगा किस तरीके का टाइम रहता है, उस तरीके के हिसाब से उखाड़ेंगे फार्म को। अभी पूरा नहीं उखाड़ सकते क्योंकि लेबर भी काफ़ी कॉस्ट आएगी इसमें, उखाड़ने में, इसको लोडिंग वगैरह करने में, इसको कट करने में काफ़ी खर्चा आएगा। और सारा खर्चा जो है वो काफ़ी आ जाएगा खर्चा मतलब। उसके बाद में लगभग 15-20 दिन के बाद ये रूट स्टॉक जो है ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद में इसकी प्लांटेशन कर दी जाएगी डायरेक्ट गोबर का खाद डालकर, और सिर्फ मैं गोबर का खाद ही डालूँगा और कोई भी मैं अपने फार्म में प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता। कैक्टस है वैसे, इसको कोई खास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। और आप देख सकते हो कि इधर ये सारा रूट स्टॉक तैयार कर रखा है, कैक्टस का रूट स्टॉक है सारा ये, और बेहतरीन रूट स्टॉक है। 1.5 फीट का भी है, फीट का भी है और 3 फीट की है। इसमें 2 से 3 प्रकार के रूट स्टॉक मिलेंगे आपको। उस साइड 3 फीट के हैं, ये 3 फीट के पड़े हैं और ये 1 फीट के मान के चलो। और अगर किसी भाई को इस रूट स्टॉक पर वर्क करना है तो पहले ट्रायल के बेस पर करे। हम कमर्शियल पर करने जा रहे हैं इसको, तो मतलब बिना सोचे समझे इसको कमर्शियल पर लेके जा रहे हैं। वैसे हमें इसका रिज़ल्ट मालूम है कि क्या रिज़ल्ट आएगा इसका, हमें हमें खुद बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम तब तक आपको नहीं बता सकते कि जब तक हम इसको करेंगे नहीं। हम तो पूरा कमर्शियल ही कर रहे हैं, मैं तो उसको कमर्शियल ही कर रहा हूँ उसको। और खर्चा भी काफ़ी आएगा इसमें, काफ़ी इन्वेस्टमेंट की होगी इसमें। जो खर्चा है वो जो मेरा खर्चा है वो कम ही होगा, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास उस साइड सी वैरायटी का भी फार्म है और मेरे को किसी और की वैरायटी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़रूरत पड़े भी गी तो मैं थोड़ी बहुत स्टिक लाकर और उसको ग्राफ्ट करूँगा, क्योंकि रूट स्टॉक है, एज ए रूट स्टॉक यूज़ करूँगा। ये तो ये जो है ये तो फ्रूट देगा नहीं मेरे को, क्योंकि इस पर जो ग्राफ्ट मैं वैरायटी करूँगा वही मेरे को फ्रूट प्रोडक्शन देगी। तो धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसके अनुसार इसको आगे डेवलप करेंगे, खाली नहीं रख सकते इसको। चलो ठीक है किसान भाई, तो अब मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय जय भारत, वंदे मातरम।